Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Fakhar Lodi and this is Formal Methods for Software Engineering. And today is our third lecture. In the last lecture, we were talking about uh, model buildings and logical deductions. We, saw that we needed to build models in order to formally argue about certain things, certain properties of a problem.

क्रेडिगेड कैलकुलस में हम आगे चल के देखेंगे लेकिन पहले हमारे जो प्रोपोजिशनल कैलकुलस है हमने पिछले लेक्चर में कुछ उस पर गुफ्तु शुरू की थी और वी सट के जी प्रोपोजिशन से हमने बात की और हमने करैक्टर्स पर बात की और दो तीन स्पेशल किस्म के करेक्टर्स को हमने ख़ास तौर पर देखा जिसमें एक लॉजिकल इम्प्लिकेशन थी बाइक कंडीशनर था उसके अलावा टटोलॉजीज़ थी उसके अलावा कॉन्ट्राडिकेशंस थे और हमारी एकुलेंस थी ये पांच छः चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पॉटेंट हैं और इसको हम लॉजिक में हम बार बार यूज़ करेंगे नोट वन थिंग हियर कि यहाँ पर हमारी जो पहले से जो चीज़ें जो हमारी एंड और जो हैं वो अपनी जगह पे बजात खुद बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो उस तरह इस्तेमाल होंगी लेकिन हमारे लॉजिक बिल्डिंग में डिडक्शन में इम्प्लिकेशन एंड एकवलेंस ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पर अपनी बात खत्म की थी वो था एक लॉजिकल प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ अवर लॉजिकल डिडक्शन रूल्स और वो लॉजिकल प्रॉब्लम क्या था कि ऑन द आइलैंड ऑफ नाइट्स एंड नेव्स जिसपे दो तरह के रेजिडेंट्स हैं एक नाइट्स और एक नेव्स तीसरी तरह का कोई रेजिडेंट नहीं है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि नाइट्स दे ऑलवेज टेल द ट्रूथ एंड नेव्स दे ऑलवेज लाई तो जो भी आप उनसे बात करें अगर वो नाइट आपको उसका जवाब देगा तो वो सच्चा जवाब होगा अगर नेव जवाब देगा तो झूठा होगा तीसरी तरह का वहां पर बंदा नहीं है तो कोई एक स्ट्रेंजर वहां पर पहुंचता है और वो किसी से पूछता है कि आर यू अट एंड नाइट सेज और दर्सन सेज डेट इफ आई एम अट देट माई हेड हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमने ये प्रूव करना था कि द पर्सन विल हैव टू ईट हिज हैट तो विद हेल्प ऑफ आवर लॉजिकल रूल्स डिडक्शन वी हैव टू शो कि हमारा जो हाइपोथेसिस जो था कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है या फॉल्स है अगर आपको इसका मौका मिला हो और आपने इसको सॉल्व कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है बहुत खुशी की बात है बहरहाल इन एनी केस मैं आपको इसका सोलूशन अभी दिखाऊंगा हम इसको दो तरीक़े से सॉल्व करेंगे पहले हम ट्रुथ टेबल के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम डिडक्शन लॉजिकल डिडक्शन के रूल्स को यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे लेकिन ट्रुथ टेबल बनाने से पहले या लॉजिकल डिडक्शन यूज़ करने से पहले हमें इसको प्रोपोजीशंस में कन्वर्ट करना है और हमें इसे देखना है कि हमारी जो مختلف जो प्रोपोजिशन जो हैं वो स तरह की हैं और उनको आपस में किस तरीके से हम फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को मॉडल कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोल स्टेटमेंट्स एंड प्रोपोजिशन सो आइए चलते हैं जरा हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं लेटस हैव दिस प्रोपोजिशन यू नो दैट ए इज अट लेट एस कॉल इट ए सो we use the symbol a for this proposition a is knight we don't know the truth value of this thing it could be true or false but since it can either be true or false nothing else hence it is a proposition so we uh, use symbol a for this proposition the second proposition is a eats his hat so let us call it h so we have these two propositions now the statement was if i am a knight then I will eat my head. So we have if I am a knight, I am a knight, this is proposition A, I will eat my head, this is proposition H, and if and then, this means we have implication, so we have A implies H. Last time we already saw that the person is equivalent to the statement. X is equivalent to the statement because if X is knight, the statement is true. If X is naive, the statement is false. So in both these cases, both X and S they have the same truth value. So the person A is making the statement A implies H. So we say A is equivalent to or A biconditional A implies H. So this is our proposition that we have used, you know, joining these three.

So that is logically written as a implies h. And we have already seen that these two statements, uh, the statement and the person, they are equivalent. that means a is equivalent to the statement made by a. that is a biconditional a implies h, a implies H is the statement, and a is the person who is making that statement, since both of these they are equivalent. so we make a new statement. New proposition here, and the objective is to show H that is, you know, A has to eat his hat. Now, in order to solve this problem, uh, there are two different ways. One is that we can build the, the truth table for this whole thing, and then uh, by examining and analyzing different values in the truth table, we can come to a conclusion. Or we can give a logically a, a deduced argument, that is, we can have logical deduction and we can come to a conclusion. So, we shall see both of these cases with the help of truth table and then logical deduction. So, let us first look at the truth table. In the truth table, we have this uh, columns for A, H, A implies H, and then A biconditional A implies H. So, when A is true, H is true, A implies H is true. When A is false, H is true, A implies H is true. When A is true, H is false, then A implies H is false. Remember, implication is only false when the left hand side is true and the right hand side is false. When A is false and H is false, then A implies H is true. So the third row, that is, A is true and H is false, only then A implies H is false. Now let us look at the fourth column, that is, uh, A biconditionals A implies H. So we now we look at A and the column that is A implies H, and remember that the biconditional is true when both these values are the same, and it is false otherwise. So, when we look at this thing, so the first row is A is true, A implies H is true, and hence A biconditional A implies H is true. The second row is A is false, A implies H is true, since the two values are not equal, hence A biconditional A implies H is false. The third row is the same, that is A is true and A implies H is false, hence the result is false. Fourth is A is false and A implies H is true, hence the fourth and the conclusion is false. So we have only one case in which, that is the first row, in which A biconditional A implies H is true. All other three cases uh, we have the false value for A uh, biconditional A implies H. So since there is only one true value, that is, since both these are equivalent. We said the person and the statement are equivalent. That is, if person is true, the statement is also true. If person is false, the statement is also false. So, if person is true means A is a knight, that means this statement is true. And the statement made by A, that is also true. Since in all the other cases, you know, we have this A biconditional A implies H false, that means. You know, all other cases they do not fulfill this condition that the person value as the statement value. And hence, there is only one valid row in this, and in that valid row, the value of H is true. The value of H true means H is A has to or A eats his hat. So, in this particular case, since H is true, there is only one.

और वो हमने ये कहा था कि इफ पर्सन इज नाइट ही टेल्स द ट्रूथ इफ पर्सन इज नॉट नाइट देन ही टेल्स अ अ ही इज लायर इन दैट केस सो इफ पर्सन दैट इज ए इज अ नाइट इफ दिस इज ट्रू देन द स्टेटमेंट दैट ही इज मेकिंग इज ट्रू इफ ए इज नॉट अ नाइट देन द स्टेटमेंट दैट ही इज मेकिंग इज नॉट ट्रू सो इक्वलेंस से हम ये देखते हैं कि कहाँ कहां, कहां ये दोनों मैच कर रहे हैं जब ये ट्रू होगा ये ट्रू है ये फॉल्स है ये फॉल्स है अगर हमें एक से ज्यादा रोज में ऐसा मिल जाता कि ये ट्रू था और अदर साइड वाज़ आल्सो ट्रू एंड ये फॉल्स था दी अदर साइड वाज़ आल्सो फॉल्स देन हमें देखना था कि एच की वैल्यू क्या है और अगर एच की वैल्यू एक केस में ट्रू होती और दूसरे केस में फॉल्स होती फिर हमारा ये कंक्लूजन होता है कि हम इससे कोई नतीजा नहीं निकाल सकते बिकॉज एक बार वो ट्रू के केस में वही जवाब दे रहा है एक बार वो फॉल्स के केस में वही जवाब दे रहा है तो इज द लॉजिकल कंक्लूजन हमें इसके बारे में कुछ नहीं हम कह सकते लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली वन केस यू नो बोथ दे मैच दोनों केस में वो ट्रू था कोई ऐसा केस नहीं था जहां पर दोनों फॉल्स थे दोनों केसेस में वो ट्रू था थार वॉज ओनली वन रो टू कंसिडर और उस रो में एच की वैल्यू जो थी वो ट्रू थी तो उससे हमने ये नतीजा निकाला कि एच की वैल्यू ट्रू है अगर यानी कि जो भी केस हमारा बनेगाट मीन्स एच विल है ईट हिज हैट अच्छा यहाँ पर मैं ये भी बताते चलूँ कि अगर लेट्स है कि कोई दो जगह पे हमारा वो मैच बन जाता आपकी जो इक्वलेंस है वो बराबर हो जाती वो ट्रू हो जाती और दोनों जगह पर एच की वैल्यू सेम होती ट्रू या फॉल्स सो उस केस में भी हम एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकते थे वो जो भी उसकी वैल्यू होती so tables, also, you know, के साथ एक है और वो प्रॉब्लम यह है कि यू नो यू कैन बिल्ड टू टेबल्स फॉर यू नो वैन ऑफ प्रोपोजिशन दे आर स्मॉल बट वैन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर लार्ज दे आर टू मैनी टू टेबल बनाना आसान नहीं है आप जानते हैं एट टू टेबल्स में नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होती हैं अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो इट इज़ टू टू पावर टू व्हिच इज़ फोर लेकिन अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे देन टू टू पावर थ्री हमारे पास एट रोज़ हो जाएंगी। अगर हमारे पास दस वेरिएबल हो जाएंगे दैन वी विल हैव वन के रोज सो ये ट्रो टेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके साथ उसकी सारी वैल्यूज को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन आवर प्रॉब्लम वी दू टेबल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट सो हम लॉजिकल आर्गूमेंट्स के जरिए डिडक्शन के रूल्स को यूज करते हुए डिडक्शन को यूज करते हुए और इक्वलेंस को यूज करते हुए हम अपना लॉजिकल आर्गूमेंट बिल्ड करेंगे और जब हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों तो देट इज़ मोर फिजिबल काइंड ऑफ सोल्यूशन बहरहाल इस सोल्यूशन को हम डिडक्शन के जरिए भी देखते हैं कि लॉजिकली हम ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसी प्रॉब्लम के लिए तो एक बार आइए वापस चल के देखते हैं कि हम लॉजिक uh, को यूज करते हुए हम इस पर कैसे पहुंचे सो हियर वी हैव ए बाई कंडीशनल ए एम्प्लॉइज एच जब एम्प्लॉयज एच है दैट कैन बी रिटर्न एज नॉट ए और एच सो The first statement that is A biconditional A implies H is equal to A biconditional not A or H. So, the biconditional is uh, the both sides they have the same value. So, if we have A, then we have not A or H, and if we have not A, then we have not not A or H. This is our biconditional case. So, we can rewrite the previous statement as. एंड नॉट ए और एच और नॉट ए एंड नॉट ए और एच हम बाई कंडीशनर को ही रिडिफाइन कर दिया सो लेट एस लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस दैट इज एंड नॉट ए और एच ए ए एंड नॉट ए और एच हम इस पर डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लगाएंगे सो so, यहां से हमारे बना के ए एंड नॉट ए और ए एंड एच एंड एंड नॉट ए इस फॉल्स So, we have false or A and H. So, hence this A and not A or H is equivalent to A and H. Now, let us look at the second part. Second part is not A and not not A or H. So, that not once again we apply the De Morgan's law here. So, not A or H is A and not H. So not A and not not A or H can be written as not A and A and not H. So we apply the associative law that is not A and A and not H. So we have false, not A and A is false, false and not H. So false and not H is false. So what we get is a and not A or H or not A and not not A or H is equivalent to A and H or false, which is equivalent to A and H. Therefore, A biconditional A implies H is equivalent to A and H. Hence, we prove that the outcome is that we have both A and

वी स्टार्टड विद आवर बेसिक स्टेटमेंट्स और बेसिक स्टेटमेंट हमारी क्या थी वही बेसिक स्टेटमेंट थी कि हमारा जो जो पर्सन है इज इक्वलेंट टू द स्टेटमेंट दैट द पर्सन हैज मेड दैट इज एज इक्न टू द स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट वॉज ए एम्प्लाइज एच और उसको हमने फर्दर जब हमने डी जनरेट किया उसको हमने खोला यूजिंग डिफरेंट इक्वलेंसेस के

बात मालूम की कि अल्टीमेटली इस चीज़ का आंसर क्या होगा लॉजिकल डिडक्शन जो है ये हमने इस वक्त जो भी थेरम देखी थी ये बड़ी एक सिंपल सी स्टेटमेंट थी बच्चों इसमें को खास हमने डिडक्शन के रूल्स इस्तेमाल नहीं किए थे लेकिन जो रूल्स ऑफ इंफ्रेंस खास तौर पे हमारे लॉजिक में इस्तेमाल होंगे वो चंद बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और वो रूल्स जो हैं हम आइंदा चल के आगे अपने उसमें इस्तेमाल करेंगे वो रूल्स क्या हैं आइए जरा उन रूल्स पे एक नज़र डालते हैं और यह रूल हम बार बार इस्तेमाल करेंगे अपना लॉजिकल आर्गमेंट आगे बढ़ाने के लिए यह रूल्स कहलाते हैं रूल्स ऑफ इंफ्रेंस एंड लॉजिकल डिडक्शन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रूल्स इज़ नोन एज द रूलोडक्शन एंड दैटेगरी ऑफ रूल्स इज़ नोन एज द रूल्स फॉर एलिनेशन रूल ऑफ इंट्रोडक्शन में हमारे पास कुछ प्रोपोजिशन होती हैं और बेस्ड ऑन दो प्रोपोजिशन वी मेक मोर कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन

Uh, or Q is going to be true. So given P, P is there. So when we introduction, we are that P is given, Q is given. That is both of these they are true. When both of these are true, then P and Q is also true. When P is true, then P or Q is also true. When Q is true, then P or Q is also true. लेटस गो एंड लुक एट द रूल्स ऑफ एलिमिनेशन इन दिस पर्टिकुलर केस हमें दो चीज़ें दी गई होती हैं और उनके बारे में हमें कोई चीज़ के बारे में पता होता है और उससे हम बीच में से एक वेरिएबल निकाल लेते हैं और एक को एमिनेट कर देते हैं देन वी कंक्लूड फ्रॉम देअर सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर गिवन पी एंड क्यू देट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैन पी इज ट्रू क्योंकि If this statement true, then p be true q be true. This p is true as well as q is true. So we can eliminate uh, either p or q. We can only take q and we know if p and q, they are true, then p is true as well as q is true independent of each other. So, you know, this is the first rule of elimination. Another very important introduction is that, you know, we have q. If we have q, that means we can imply p implies q remember that you know if q is true that means p implies q is always going to be true no matter what the value of p if p is false it is going to be true anyway if p is true then we already know that q is true and hence p implies q is also true on the other hand you know if we are given that p is true and also, given that P implies Q is true, that means Q has to be true. Because if P is true and Q is false, then P implies Q is not going to be true, and hence it is going to be false. So, given that P is true and P implies Q is true, then we can conclude Q from there. We can say that Q is also true. We have uh, another uh, very interesting rule which is very very similar to the previous one that is we have p and not p if we can somehow find this thing that you know we have both p and not p what does that mean that means we are contradicting we have a statement which is contradictory so that means you know this cannot happen this is a contradiction so the the outcome is going to be false it's a contradiction and Another very uh, interesting thing is that you know if we started with false, if we said you know we have false. so from a false argument, you can conclude anything. you know if you have false, that means you know if your basic assumption is false, you can conclude anything. So given false, you can conclude p from there. Anything can be concluded if we started from a wrong assumption. सो so, ये जो हमने जो रूल्स देखे रूल्स ऑफ इंफ्लेंस एंड लॉजिकल डिडक्शन ये बड़े इम्पॉर्टेंट रूल हैं ये हमारे लॉजिक में दे विल प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल सो वट वी विल डू एज वी विल मेक सर्टन असमशन वी विल मेक अन्ट हाइपोथस ट्रू एंड गिवन दैट हाइपोथिस ट्रू बेस्ड बॉन दमेशन दर प्रोपोजिशंस दैट वी हैव इन अवर प्रॉब्लम्स

ये मेरी स्टेटमेंट गलत थी और इसका उलट करेक्ट uh, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन की एक बात होती है और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आपने गलत असम्पन की है अगर आपकी असम्पन इज फॉल्स तो उससे आप जो मर्जी कंक्लूड कर लें इम्प्लीकेशन याद रखिए जब हमने कहा था कि पी एम्प्लॉज क्यू एंड पी एम्प्लॉज क्यू इज फॉल्स

वो ट्रू भी हो सकता है वो फॉल्स भी हो सकता है बट दी ओवरऑल रिजल्ट इज गोइंग टू बी ट्रू सो अगर आपकी असम्पन गलत होगी तो उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसके अलावा बाकी वही चीज़ें हैं जो उससे पहले हम देख चुके हैं खास तौर पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि पी इज ट्रू एंड क्यू इज़ ट्रू एंड वी हैव पी इज ट्रू एंड वी से पी एम्प्लाइज क्यू इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इज द लॉजिकल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि हमने कहा था कि अगर P आ, आ, ट्रू होगा तो Q ट्रू होगा और हमें यह पता है कि ये स्टेटमेंट P इम्पलाइज Q इट्स सेल्फ इज ट्रू एंड P इज़ ट्रू दैट मीन्स Q मस्ट बी ट्रू सो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पे हम इस चीज़ के पहुंच गए और हमने इससे कंक्लूड किया कि Q इज़ ट्रू ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करेगा हमारे आर्गमेंट बिल्डिंग में तो आइए अब जरा इन लॉज ऑफ इंफ्रेंस एंड लॉजिकल डिडक्शन को देखते हैं हम अपने लॉजिकल प्रॉब्लम्स में इनको इस्तेमाल करते हैं और इसकी हेल्प से लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सो हेयर इज अ प्रॉब्लम इफ अ सुपर वर एबल एंड विलिंग टू प्रिवेंट इवल, ही वुड डू सो इफ सुपर वर अनएबल टू प्रीवेंट ईवल ही वुड बी इनकेपेबल इफ़ ही वर अनविलिंग टू प्रिवेंट ईवल He would be malevolent. Superman does not prevent evil. If Superman exists, he is neither incapable nor malevolent. Therefore, Superman does not exist. So yeah, a kamari statement hai. I mean we say, I mean, we make uh, a few statements about this Superman, and we say, Superman were able to were able and willing to prevent evil, he would do so. को सुपरमैन एक ऐसा अगर कोई चीज़ है तो वो इवल को रोकेगा अगर उसमें विल होगी और एबिलिटी होगी एंड इफ सुपरमैन वर अन टू प्रिवेंट एबल ही वुड बी इनकेपेबल इफ ही वर अनविलिंग टू प्रीवेंट ईवल ही वुड बी मिलोविलेंट कि अगर वो इवेंट को प्रीवेंट नहीं करता और इज ही अनविलिंग देन वो इसका मतलब यह है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और हम ये कहते हैं कि सुपरमैन डज नॉट प्रिवेंट ईवल बिकॉज वी सी एवल एवरीवेयर सो एंड द सुपर मैन डज नॉट प्रिवेंट इट सो इफ सुपरमैन एग्जिस्ट ही इज नीदर इनकेपबल नॉर मिलोवलेंट कि अगर सुपर मैन है तो इसका मतलब यह है कि वो केपेबल भी है और बदनीयत भी नहीं है सो so इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि सुपर मैन डज नॉट एग्जिस्ट सो ये हमारी स्टेटमेंट है ना ऑफ द क्वेश्चन इज कैन वी लॉजिकली डिड्यूस The objective that is the Superman does not exist. So in this case, we make our propositions and see. First proposition is Superman exists. Let us call it X. Superman is willing to prevent evil. Let us call it W. Superman is able to prevent evil. Let us call it A. Superman is malevolent. Let us call it M. Superman is incapable. Let us call it I. Superman prevents evil. Let us call it E. So, these are basic propositions. Hai. Using these propositions and using what we have already seen, our objective is to prove that uh, W and A implies E. That is, if Superman is willing and able, he will prevent evil. And not A, that is, not able implies means is not capable is incapable not w that is is not willing implies that uh, it is malevolent and not e that means superman does not prevent evil and x implies not i or m that means you know if superman is there then superman is not incapable or malevolent that implies not x

बट यू नो हम इस आर्गोमेंट को सिर्फ लॉजिकल अपनी प्रोपोजिशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखेंगे और इससे हम यह नतीजा अखज़ करने की कोशिश करेंगे कि आया सुपरमैन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो ये हमारे पास सबसे पहले थी कि हमने जो अपनी जो प्रोपोजीशंस थी उसको हमने लिस्ट ऑन किया उन प्रोपोजीशंस की बेस पे हमने एक ऑबजेक्टिव डिफाइन किया और वो ऑब्जेक्टिव हमने लिस्ट ऑन किया कि ये 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 कंडीशन हमारे पास गिवन हैं or is a logical conclusion that yeah, superman does not exist so this is what our objective is let us try to uh, see if we can logically prove that yeah, this in fact is the case so what we do is we assume that yeah, yeah, our hypothesis is correct with this hypothesis we will you know take steps into the uh, and try to find the logical conclusion for this particular problem so here is the first assumption that is we have w and a implies e and not a implies i and not w implies m and not e and x implies not i or m so this is what we assume the objective is not to prove not x so we first uh, assume that uh,

कह रहे हैं कि वी अस्यूम सुपरमैन एक्सिस्ट सो अगर हम पहले हम ये बात कर चुके हैं कि अगर ultimately हम इस contradiction पे जाएं, तो हम ये कहेंगे कि हमारी original, uh, assumption जो थी, वो गलत थी तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो assumption गलत थी इसका मतलब ये है कि उसम्शन के अपोजिट जो बात है वो बात सही बात है सो so, हमने एक उल्टी बात हमने अस्यूम की है और इसकी बेस पे हम आर्गूमेंट बिल्ड करेंगे और किसी स्टेज पे हम ये कोशिश करेंगे कि हम बात को अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकें और विद हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वी विल प्रूव दैट ऑपोजिट इज ट्रू सो यू नो वी आर अस्यूमिंग दैट एक्स दैट इज सुपरमैन एग्जिस्ट ना वी यूज द एलिमिनेशन रूल्स टू ब्रेक नंबर वन डाउन इन टू फाइव प्रमाइसिस एंड दीज फाइव आर फर्स्ट डब्ल्यू एंड ए एम्प्लाइज ई सो एलिमिनेशन का हमने रूल बनाया और इन को पांच टुकड़ों में डिवाइड कर दिया कि हमने ये कहा कि अगर द फर्स्ट असम्शन वॉज ट्रू जो हमारा हाइपोथसिस था देन यू नो दैट मीनस डब्ल्यू एंड ए एम्प्लाइज ई बिकॉज वी हैड एंड देयर सो रिमेंबर वी सेट इफ पी एंड क्यू देन वी कैन यू नो टेक पी एंड वी कैन टेक क्यू सो वी आर गिवन दैट पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू सो उससे हम ये नतीजे निकालते हैं कि पी इज ट्रू यहां पर भी हमने कहा था कि ये सारे के दरमियान में क्योंकि एंड है तो इसका मतलब है each one of these is true, so हमने हर एक को अलग अलग कर लिया इज दंबर थ्री एंड एम्प्लाइज ई देन नंबर फोर इज नॉट नंबर फाइव इज नॉट डब्ल्यू एम्प्लाइज एम नंबर सिक्स इज नॉट ई एंड नंबर सेवन इज एक्स एम्प्लाइज नॉट आई और एम तो हमने ये पांच टुकड़े पहले के कर दिए नो अप्लाई द एलिमिनेशन ऑन नंबर टू एंड नंबर सेवन नंबर टू एंड नंबर 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 हमारे पास हैं इज इज एक्स एक्स एंड नॉट आई और एम सो दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर नॉट आई और एम क्योंकि एक्स इज ट्रू अगर हमने स्यूम किया था एक्स इज ट्रू तो इसका मतलब है नॉट आई और एम नो प्रूविंग आई और एम विल रिजल्ट इन कॉन्ट्रेडिक्शन विद एट क्योंकि हमने ये कहा है कि नॉट आई और एम है सो तो अगर हम प्रूव कर दें कि आई भी है या एम है तो इसका मतलब यह है कि दिस विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन विद नंबर एट सो वी विल एनालाइज डब्ल्यू वी अस्यूम नॉट डब्ल्यू तो हमने डब्ल्यू को देखना है और उसको लेट्स फर्स्ट अस्यूम के डब्ल्यू इज नॉट ट्रू इफ डब्ल्यू इज़ नॉट ट्रू दैन from 5 and 9 5 was not w implies m that we can conclude uh, m not w remember not w implies m so we can infer from here that m is true that means i or m is true so if m is true then i or m is true so you know we have the contradiction here remember we have the number 8 statement that is not i or m तो दैट मीन्स दैट इज इफ वी अस्यूम्ड वी लुकड एट डब्ल्यू इफ वी टुक दैली ऑफ डब्ल्यू एज नॉट डब्ल्यू फॉल्स वी कंक्लूडेड आई और एम विच वॉज अ कॉन्ट्रडिक्शन विद एट सो हैंट मीन्स के एक हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई अब दूसरा केस हम देखते हैं कि क्या हम जब अगर डब्ल्यू को अस्यूम करेंगे तो फिर भी हमें यह कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है या कि नहीं मिलती सो लेट एस अस्यूम डब्ल्यू नॉ सो दिस इज अवर स्टेटमेंट नंबर ट्वेल्व अस्यूमिंग डब्ल्यू Uh, within uh, W, once again, there are two possibilities about A that is, either A is true or A is false. So, let us first assume that A is true. If A is true, that means, so we had W was true, A was true. Uh, joining these two together, we have W and A. From 3 and 14, 14 was W and A, uh, 3 was uh, W and A implies E so that means we uh, conclude e from here and we look at uh, 6 and 15 number 6 was not e so we have already seen e here so we have false that is contradiction here so um, that is uh, we have not e in 6 and we have e in 15 that means you know e and not e it is false that means from false we can conclude anything आई और एम तो हैंस वी अ कॉन्ट्रेडिक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जरा इसको गौर से देख लीजिएगा कि हमारे पास एक कॉन्ट्रेडिक्शन आ गई जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो उसके बाद आप जो मर्जी उससे निकाल लें और हमने उसके बाद ये फैसला किया कि हम कॉन्ट्राडिक्शन से वील आई और एम एंड आई ओ एम इज कॉन्ट्राडिक्टेड विद द स्टेटमेंट नंबर एट नाउ वी टेक दैट इज वी टेक द केस वेन ए इज नॉट ट्रू That is not A. This is statement number 18. So we look at statement number 4. Statement number 4 was not A implies I. So not A implies I, and we have not A here. So we can conclude I from there. So if we have I, that means I or M is true. So if I or M is true, so you know when we assumed A was not true, we concluded I or M. When we assumed A was true, we concluded I or M. Hence, you know, in both these cases, with W, we concluded that is I or M. That is, whether we concluded, whether we assumed that the W was not true, we concluded I or M, and we assumed when W was true, so that also led us to the same conclusion, that is I or M. That means, you know, this is a contradiction. So whatever we do, you know, we end up in a contradiction, and hence, you know.

कि हम जब कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू दैट इम्प्लाइज उससे हम कंक्लूड करते हैं कि राइट हैंड साइड हैज़ टू बी ट्रू अदरवाइज द होल एम्प्लीकेशन इज गोइंग टू बी फॉल्स तो पहले हमने टुकड़ों में बांटा एंड को हमने एलिमिनेट करते हुए हमने उसमें से कुछ टुकड़े उठाए और उसको अलग अलग स्टेटमेंट्स बना ली उसके बाद हमने हर एक को एनाइज किया और हम इस नतीजे पहुँचे कि जो हमने औरिजिनल असम्शन जो बनाई थी दैट इज आवर लॉजिकल स्टेटमेंट दैट इज द सुपरमैन एग्जिस्ट वो असम्पशन से हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंचते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंचने का मतलब ये है कि हमारी ओरिजिनल असम्पन वाज इन एंड एनहेंस वी कंक्लूड कि हम उसके अपोजिट जो है वो बात करेक्ट है क्योंकि देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स ट्रू एंड फॉल्स सो अगर वो असम्पन uh, हमारी ट्रू uh, नहीं है तो इसका मतलब यह है कि असम्पन फॉल्स है और इसका मतलब यह है कि उसके अपोजिट इज ट्रू एनहेंस विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिकल इंफ्लुस हमने इस बात को प्रूफ किया दैट सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट हम इस लॉजिकल इंफरेंस को हम यूज करेंगे और आगे अपने प्रॉब्लम्स uh, में और इसमें जो चीज़ हम ज्यादा यूज करेंगे वो इक्वलेंस को हम यूज करेंगे बिफोर वी लुक इनटू टू दैट आज का हम प्रॉब्लम उसको देखते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं आई विल लीव यू विद डैट प्रॉब्लम सो द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द डेज Once again, we go back to the island of knights and knaves. It is rumored that gold is buried on the island. You ask one of the natives, A, whether there is gold on the island. He makes the following response There is gold on this island if and only if I am a knight. The problem is as follows Can it be determined whether A is a knight or a knave? Can it be determined whether there is gold on the island and what I ask you to solve the problem with the help of truth table you will not be able to solve the problem easily with the help of logical deduction solve with the help of logical deduction but use truth tables to solve this problem so in this problem once again we go back to the island of knights and knaves uh, remember knights and knaves we have this uh, that the knights they always speak the truth and the knave they always tell a lie and there are only two types of inhabitants here that is knaves and knights only. and the there is this rumor that there is gold buried on the island and you are uh, you ask uh, a native, is this true? And the native uh, tells you that if the, there is gold buried on the island, if and only if he is a knight now the question is you have to determine whether the person is a knight and you also have to determine whether there is gold buried on the island can you determine this or not use uh, the truth table to do this and it is a very interesting useful interesting problem and i hope you will enjoy it baral agle lecture mein inshallah we will discuss this uh, problem and i will uh, give you the solution to this problem using truth tables, and then using logical deduction, we will also see how this thing can be done and uh, solved. Uh, but uh, today it is time to end the lecture. Uh, let me try to wrap up. So, today's discussion was about uh, propositional calculus and the logical inference and deduction. हमने ये देखा आज के लेक्चर में कि विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल इंफ्लुंस एंड डिडक्शन यू नो व्हाट वी डू इज़ वी आर गिवन अ प्रॉब्लम हम उस प्रॉब्लम को हम प्रोपोजिशंस में हम उसकी निकाल लेते हैं वी आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशंस वी राइट डाउन दोज प्रोपोजिशंस वी राइट डाउन द स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन और द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द प्रॉब विद हेल्प ऑफ आवर लॉजिकल कनेक्टर्स Using implication, using and or not, what have you, you know, all those things are used, and then we have a hypothesis and we try to, you know, find the uh, true value of the hypothesis, whether the hypothesis is true or not. So, what we do is we do it with the help of uh, rules of logic and inference. We could also do this with the help of truth tables. लेकिन टोट टेबल्स में जो इशू जो है वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स हों तो टोट टेबल्स में एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इट इज़ टू टू पावर एन वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो अगर हमारे पास 20 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो हमारे पास एक मिलियन से ज़्यादा एंट्रीज टोट टेबल में हो जाएंगी उनको एनालाइज करना और उनको लिखना इज नॉट फिजबल सो इस वजह से टोट टेबल को इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इफ़ यू हैव फ्यू वेरिएबल्स Then truth tables can be used. So, in the absence of truth tables, what we have to do is we have to use the rules of logic and inference. Or, and unme, two three rules are important and significant. And those rules are that if you have a statement, uh, D -O, P and Q and R, which may different components and they are joined by and, or if we know that this is uh, true, that means each one of those components is also true. So, we can also

इसका मतलब है एक राइट हैंड साइड हैज टू बी ट्रू ये एक हमारा लॉजिकल आर्गूमेंट इसी बेस पे चलता है इसी से आगे बढ़ता है एक जो चीज जरा और आपको याद रखने की है और इंपॉर्टेंट है वो यह है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द देशन इज फॉल्स फ्रॉम देयर यू कैन कंक्लूड एनी अगर आपने ही गलत ली है अगर आपने एक गलत आपने स्टेप लिया है और गलत चीज पे आप चल पड़े हैं तो उसके बाद आप जो मर्जी प्रूफ करते रहें आप हर चीज़ प्रूफ कर सकते हैं अगर आपकी बेसिक असम्पन ही गलत है तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अलावा जो प्रूफ की जो टेक्निक्स जो हम देखेंगे उसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन जो है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो व्हाट वी डू एज बहुत जगहों पर हम ये कहते हैं कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट हमारी हम असम्शन उसके उलट लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के एंड ट्राई टू एंड अपने कॉन्ट्राडिक्शन एंड हैंस वी प्रूव के हमारी औरिजिनल वॉज इन करेक्ट एन हैं इट शुड बी दिट सो विट मैं आज का लेक्चर आज खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ इन शगलेक्चर में फिर मिलेंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए खुदाफ़िमैकम